बस सब्सक्राइब कर दो यार। अब सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर बेल आइकन भी दबा दो ताकि ये नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों आज वू ने लॉन्च किया है अपना नया टीवी जो कि है 43 इंच में, 49 इंच में और 55 इंच पे। तो फिर इन सब के स्पेसिफिकेशन सेम है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये तीनों टीवी के बारे में। तो फिर चलिए इंट्रो लगाता हूँ। तो फिर बात करूँ इन टीवीज की, तो ये तीन वेरिएंट्स में आते हैं जो कि है 43 इंच, 49 इंच और 55 इंच। तो फिर ये टीवी में आपको मिलेगा वाईफाई, ब्लूटूथ और एक है ये एंड्रॉयड टीवी। तो तीनों वेरिएंट्स एंड्रॉयड टीवी हैं। और फिर आपको इसमें मिलेगा एंड्रॉयड 7.0 OS। तो फिर नोगट नहीं है यार, नॉर्मल सा एंड्रॉयड सा ये OS है इसमें जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर आपको इसमें मिलेगा गूगल प्ले स्टोर क्योंकि ये है एक एंड्रॉयड टीवी। और फिर आप नेट सर्फ कर सकते हैं जैसा कि स्मार्ट टीवी में फीचर्स है। 4K टीवी है विद HDR पैनल्स और फिर 4K रेजोल्यूशन है इसमें बजट रेंज में। और वू का टीवी है जैसा कि आप टाइटल से ही वीडियो के देख सकते हैं। और फिर बात करूँ मैं HDMI पोर्ट की, तो तीन HDMI पोर्ट्स हैं, दो USB पोर्ट्स हैं और फिर बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे आपको क्योंकि आजकल बजट रेंज टीवीज में भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं मॉडर्न फीचर्स। तो फिर ये भी बहुत कमाल की बात है यार, मतलब कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स, पैसा वसूल। तो फिर यही है हमारा वू का टीवी। तो फिर अब मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियंस की। तो फिर अपने ओपिनियंस की बात करूँ शाओमी मी टीवी से मैं कंपेयर करके बोलूँ तो फिर मी टीवी, वो पहले से टीवी बनाता है, मी अभी आया है। मतलब अभी तक शाओमी ने अपना मार्केट टीवी में तो नहीं बनाया है, वरना फ़ोन्स के मामले में तो मतलब शाओमी एकदम अपना ग्राफ ऊपर ही लेके जा रहा है हर साल। मतलब हर महीने शाओमी का ग्राफ बढ़ रहा होगा। और फिर वो तो फ़ोन्स में नहीं है और फिर टीवीज़ में है। तो फिर जो टीवी है वो का वो पहले से आता है। तो फिर अगर मैं होता तो फिर एक्चुअली डिफरेंस जो कि है वो 16,000 का है। तो 43 इंच का प्राइस जो है यहाँ वो है 36,999, 49 इंच का जो प्राइस है वो है 46,999 और फिर जो 55 इंच का प्राइस है वो है 55,999। तो फिर अब प्राइस डिफरेंस है, तो फिर 49 इंच तक की प्राइस ठीक है लेकिन 55 इंच की प्राइस जो शाओमी के टीवी की है वो है 39,999। तो फिर 40,000 का है और यहाँ यही चीज़ 56,000 की है। लेकिन वू का जो टीवी है मेरे को लगता है उसकी क्वालिटी पैनल्स की थोड़ी बेटर होगी क्योंकि वो पहले से टीवीज़ बनाता है। और शाओमी के टीवीज़ तो मतलब अभी तक किसी ने देखे नहीं है। तो फिर अभी येट टू बी रिवील्ड, अभी आने वाले मार्केट में। और ये भी जो टीवीज़ है मतलब अभी आ गए शाओमी के मी टीवीज़, डिलीवर हो गए होंगे कुछ कस्टमर्स को। तो फिर वू के टीवीज़ मिलेंगे 16 मार्च से, फ्राइडे से अभी फ्लिपकार्ट की फ्लैश सेल पे। तो फिर बस यार फ्लैश सेल पे मतलब लेना मतलब बहुत मुश्किल है। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। और फिर अपने ओपिनियंस की बात करूँ तो फिर मैं होता तो फिर एक्चुअली दोनों के रिव्यूज़ देखो यूट्यूब पे, आप डिसाइड करो आपकी कौन सी नीड्स है। मैं अपने नीड्स के हिसाब से तो वू का टीवी लेता लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास है सैमसंग का स्मार्ट टीवी अपने रूम में जो कि 43 इंच का है। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। और फिर बस मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।